आज हम इस वीडियो में रेलवे सामान्य अध्ययन सेट 5 को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, ईसा मसीह के माता का क्या नाम था? तो ईसा मसीह के माता का नाम जो था मैरी था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख जो है वह 7वां अभिलेख है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा जो था राजा राजेंद्र थर्ड था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई? तो अमृतसर नगर की स्थापना 1577 ईस्वी में की गई। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, रुपये का अंतिम बार अवमूलन कब किया गया? तो रुपये का अंतिम बार अवमूलन जो है 1 जुलाई 1991 ईस्वी को किया गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई? तो सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की गई। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, ब्राह्मण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ब्राह्मण वंश का अंतिम शासक जो था कलीमुल्ला था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है वह 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जो था विजयी हुआ था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के गुरु जो थे मीर मोहम्मद हकीम थे। तो इनका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन हैं? तो द लास्ट जजमेंट के जो लेखक हैं वो है माइकल एजेली। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, माइकल एजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1688 में गौरवपूर्व क्रांति कहाँ हुई थी? तो 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होता है? तो महासागरीय जल का तापमान जो है वह 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो भारत चीन के साथ जो पंचशील समझौता हुआ था वह 20 अप्रैल 1954 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में किसने की? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह केशव चंद्र सेन ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता सेना का गठन किसने किया? तो इक्ता सेना का गठन जो है इल्तुतमिश ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल जो है वह नांदेड़ में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की सेना किस पद्धति पर आधारित थी? तो मुगलों की सेना जो है वह मनसबदारी पद्धति पर आधारित थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वायसराय द्वारा लगाया गया? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वह लॉर्ड विलियम बैटिंग ने लगाया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो है उच्च न्यायालय को माना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती है? तो सर्वाधिक भाषाएं जो है वह भारत में बोली जाती है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो फलों में जो है विटामिन डी नहीं पाई जाती है, बाकी सब विटामिन जो है फलों में पाई जाती है। तो अगर इसका आंसर है वो ऑप्शन बी है, विटामिन डी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।